कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरणों की खरीद विवादों में घिर गई है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद पर सवाल उठा प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अल्मोड़ा में जिला प्रशासन द्वारा विधायक निधि से खरीदे गए कई ऑक्सीमीटर खराब निकलने पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि जरूरतमंदों की मदद को उन्होंने जो विधायक निधि जारी की है उससे ब्रांडेड के बजाय प्रशासन ने चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीद इतिश्री कर ली। उन्होंने इसे आमजन के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि इससे उनके साथ ही प्रशासन व राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि आज नौकरशाही प्रदेश में बेलगाम हो गई है, जिसका जीता जागता परिणाम ऑक्सीमीटर घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को स्वास्थ्य उपकरण खरीद कर जनता में दिए जाने का आदेश दिए थे। प्रशासन द्वारा चाइनीज ऑक्सीमीटर को खरीदा गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य संबंधी दृष्टि से हमारे सारे माननीय सभी विधायकों को कहा कि आप 1 करोड़ रुपया स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदने के लिए आप हमको सरकार को देंगे और जो जो आवश्यक उपकरण आपके विधानसभा क्षेत्र में है वहाँ लगाने का आप कष्ट करें। ये हमसे कहा था, बहुत अच्छा संदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था। और मैंने भी अपने क्षेत्र के लिए हमारे कहा था 20 हमारे जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं वो मंगाए थे और 643 ये जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है वो हमने मंगाए थे। और 25 तारीख को जब सामान सामग्री आ गई थी तो मैं अपने क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी हॉलबाग के साथ हॉलबाग विकासखंड के कई गांव में घूमा, हौसली बरसी में हमने पल्स कॉन्सेंट्रेटर हमने बांटे, ऑक्सीमीटर हमने बांटे, पर इसकी शिकायत आने लगी लगातार, जो हर जगह से शिकायत आई कि चल नहीं रहे, संचालन नहीं हो पा रहे। शाम को मैं जब घर आया मैंने इसकी शिकायत मैं सीडियो को दी, मैंने भाई आपके ख़राब सामान आ गया है। सीडियो ने कहा कि सामान आ गया होगा, इसको ठीक करा देंगे हम। और सुबह मैं शहर में हमने बांटना था, सारी हमारी जो आशा कार्यकर्ताएं थी उनको मैंने GGIC में बुलाया था। जैसे ही मैंने चेक करना शुरू किया तो सारे ख़राब निकल गए, 15-20 मैंने खोले सब खराब निकल गए। तो मैंने सारा जो सामान है सीडियो को वापस कर दिया। मैंने कहा भाई आप इसको परीक्षण करिए और ये सब चाइनीज कंपनी का माल है, हमने आपसे ब्रांडेड कंपनी का माल मंगाने के लिए कहा था, आपने गलत माल दिया है, इसलिए सरकार की छवि धूमिल हो रही है और मेरा नाम नेम प्लेट इसमें लगी है, चिट लगी है और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत हानि नुकसान हो जाएगा, राजनीतिक रूप से मुझे नुकसान हो जाएगा, लोग मुझे कोसेंगे और सरकार का तो दिक्कत होगी होगी, तो इसका न भुगतान किया जाए, इसको सब वापस करने के लिए मैंने उनको यहाँ से अपनी गाड़ी भेजी और सारे वापस कर दिए। और ये भी कहा कि भी जो भी माल ब्रांडेड होगा, ब्रांडेड कंपनी होगा, उसी का मैं विधायक से भुगतान कर पाऊँगा, नहीं तो भुगतान नहीं करूँगा। तो जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना किसी के हित में नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी में उतर आए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। अधिकारी को इसको सचेत करना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि अधिकारी अब बेलगाम हो गए हैं, तो अधिकारी को चेतावनी भी है कि इस तरह का जिन लोगों ने इस पर इस प्रकार का एक कृत्य किया है वास्तव में उनके खिलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, ताकि भूली भाली जनता को ठगना और उनको स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना यह न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं और इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई चाहिए। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में करीब 600 से अधिक ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, लेकिन इन ऑक्सीमीटरों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं शिकायतें मिलने पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। पंजाब केसरी टीवी के अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।